हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आकाश हर्षिता शिवानी प्रियांशु सुदीप सभी को गुड मॉर्निंग आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरी वन प्रीति रानी सुभाष गुड मॉर्निंग सदाफ गुड मॉर्निंग भावना गुड मॉर्निंग आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरी वन काइंडली कन्फर्म एक बारी कन्फर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है श्रुति गुड मॉर्निंग रश्मि गुड मॉर्निंग कविता मयंक सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्नेहा गुड मॉर्निंग प्लीज एक बार क्या आप सभी को आवाज आ रही है मेरी यस ऑडिबल ओके फाइन टुडे इज ऑफ अप्रैल 2024 एंड लेट्स सी कौन कौन से आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले देखो इलेक्ट्रोरल प्रोसेस से रिलेटेड एक और आर्टिकल है अब इस बार पता नहीं इतने सारे आर्टिकल इलेक्ट्रोल प्रोसेस से रिलेटेड क्यों आए हैं बट यस दिस आर्टिकल टेक्निकली डील्स विद ईवीएम देखो कुछ लोगों को इस बात पे शक है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है अब इसके लिए पर पर एक Supreme Court में डाली गई, कहा गया कि जो machines है, इसमें जो स्लिप्स जनरेट होती हैं, उन सभी स्लिप्स को भी काउंट किया जाए ईवीएम की काउंटिंग के अलावा सो दैट आप इस चीज को इंश्योर कर सके इलेक्शन है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है तो यहां पर इस आर्टिकल में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या इसके वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है प्री और मीन्स दोनों परस्पेक्टिव से फिर ये आर्टिकल दो चीजों से डील करता है कहते भी इंडिया का कमिटमेंट है कि टू तक दे वॉन्ट टू बी डेवलप्ड कंट्री पहली चीज डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं दूसरा दो सत्तर तक, 2070 तक यानी 2070 तक वी वांट टू बी कार्बन न्यूट्रल तो यहां पर हम कार्बन न्यूट्रल होने की सोच रहे हैं तो इन दोनों के सामने मतलब इन दोनों टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे सामने एक चैलेंज है दैट इज कि जो हमारी एनर्जी नीड है वो इंक्रीज होगी और अभी हमारे पास कुछ कंसर्न है कि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर है वो काफी कम है एंड अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर इंक्रीज करते तो कैसे हम इन टारगेट्स को इजिली अचीव कर सकते हैं एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है आई अहमदाबाद ने तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके अलावा इस आर्टिकल के बियॉन्ड हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनके ऊपर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं So that will be to that कि क्या चैलेंजेस पावर एनर्जी को लेके उसको भी यहां पे डिस्कस किया जाएगा नाउ दिस इज ऑल अबाउट अभी केरला और सेंटर के बीच में एक संग्राम छिड़ चुका है स्टेट गवर्नमेंट फेस कर रही है खासकर केरला में जो पेमेंट्स के लेके या आप ये कह सकते हो फिजिकल डिसिप्लिन को लेकर कई बार क्रिटिसिजम किया गया है केरला का उसके बारे में यह आर्टिकल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मैटर रेफर कर दिया है कि भाई यहां पर क्या सेंटर कंट्रोल कर सकते कि कितनी करनी चाहिए एक स्टेट को तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है मोस्टली हमने सभी पॉइंट पहले डिस्कस किए हुए हैं एक दो नए पॉइंट आएंगे इसमें जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल सेकेंड एडिटोरियल इज मोर लाइकली एक ऐसा है जिसमें लाइक like, मैं एक बार यहां पर यह बता देता हूं कि ये आप जीएस पेपर टू से रिलेट कर सकते हो पॉलिटी से फेडरलिज्म टॉपिक जो है आपका उससे रिलेट कर सकते हो ये पर्टिकुलरली अगर टॉपिक की बात की जाए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो अप्रोच है मतलब कहीं ना कहीं गवर्नेंस टॉपिक से भी इसे रिलेट किया जा सकता है और प्लस पेपर थ्री इकोनॉमी टॉपिक से भी इसे रिलेट किया जा सकता है अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई देखो आज की डेट में कुछ एरियाज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है इवन यूके यूएसए का एग्जाम्पल दिया गया है तो लोगों का मानना यह है कि अथॉरिटेटिव जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेटर है एज कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बिकॉज लोगों का विश्वास उठ गया गवर्नमेंट के ऊपर से तो ऐसे क्या रीजन हैं इसके बारे में हम इस आर्टिकल में देखने की कोशिश करेंगे एंड क्यों लोग ये चाहते हैं कि भाई एक मतलब यहां पर ऐसा है रिसर्च कंडक्ट की गई थी प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा इस सर्वे में यह पता लगा था कि लोग मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की जगह अथॉरिटेरियन रूलर्स को प्रेफर करते हैं इंडिया में 85 ऐसे लोग है, इंडोनेशिया में 77, में, 66, ब्राजील में 57 एंड यूके में 37 सेवन यूएसए में थर्टी परसेंट तो कहीं ना कहीं जो अभी चल रहा है अथॉरिटेरियनिज्म लोगों को वो पसंद है तो ऐसा क्या रीजन है क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में यह आर्टिकल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे देन लास्ट एडिटोरियल जो हम बात करेंगे जिसके बारे में डैट इज अबाउट पतंजलि का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जहां पर अभी बाबा रामदेव के ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का पर्चा डाला हुआ है मतलब इनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है और इनके ऊपर एक केस चल रहा है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का अब हुआ क्या था ड्रग एंड मेजिकल रेमेडियल ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट आया था आपका इस एक्ट का मकसद यह था कि जैसे कई बार कुछ फॉल्स क्लेम किए जाते हैं ना कि भाई आप ये दवाई खाइए इससे पथरी ठीक हो जाती है या आप ही कुछ कोट्स देखते हैं कि इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है अब ऐसे ही एक इन्होंने लाइक मेडिसिन बनाई थी कौरोनिल। कौरोनिल ये कहते कि इससे जो कोविड है वो ठीक हो जाता है तो

एक मेन से रिलेटेड आर्टिकल हम बात करेंगे इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया में अगर हम बात करें के कारण आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि इससे इंडिया की डेवलपमेंट रेजेक्ट्री एक नई ऑर्बिट में चली जाएगी उसमें कैसे इसे डिरेल किया जा रहा है इसके बारे में ये आर्टिकल है देन यहां पर हम बात करेंगे न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंडिया इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रही है और कुछ इंपोर्ट में रियायतें दी है यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे देन रवांडा जिनोसाइड के बारे में बात करेंगे तीस साल कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ पर अभी भी जो कल्प्रिट्स है उनको सजा नहीं मिली है तो उसके बारे में ये आर्टिकल है दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिर कोडी uh, कनल जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है इसको लगभग सौ साल से ऊपर कंप्लीट हो गए हैं Then, इसके बारे में बात रहेगी देन पारादीप पोर्ट सबसे हाईएस्ट आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो भी आपके लेन देन हुई थी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसमें कला कांडला इसके बारे में भी हमारी यहाँ पर डिस्कशन रहेगी चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की देखिए जब बात की जाती है ईवीएम मशीन की तो सबसे पहला एक डाउट आता है लोगों के मन में क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है तो इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार ओपन चैलेंज दिया था आप आइए आप हमें ईवीएम हैक करके बताइए और हम डेफिनेटली फिर उसके उसके अगेंस्ट अगेंस्ट जो भी लाइक प्रॉब्लम होगी कार्रवाई करेंगे बट उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए तैयार हुई नहीं कि एक्चुअल में जाके इसकी जांच करे बट अभी एक बार फिर से यह मुद्दा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट वैसे तो आपकी कई पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि जैसे पहले पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होती थी बैलेट पेपर के थ्रू तो वैसे ही यहां पर वोटिंग स्टार्ट हो बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इस वजह से अक्सर इलेक्शन कमीशन ओल्ड मेथड पर जाने से इनकार करती है अब बात होती है कि यहां पर इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए सोल्यूशन के तौर पर यहां पर इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आप किसी भी एरिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर आपको ऐसा लगता है मतलब जहां भी क्या कोई भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके साथ इसमें जो ईवीएम मशीन लगी होगी इसके साथ हम वी, -वी पैट लगाएंगे अब वी, -वी पैट क्या है एक तरह का एक ऐसा मशीन है जिसमें आप कुछ सेकंड के लिए ये देख सकते हैं कि आपने एक्चुअल में किसको वोट डाला है अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके वोट को ढंग से लाइक मतलब कहीं उसमें मैनिपुलेशन हुई है या उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं

पांच ऐसे पोलिंग बूथ को उठा के आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई ओवरऑल प्रोसेस ठीक रहा तो इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत कम नंबर है इस नंबर को इंक्रीज करना चाहिए बट अभी जो डिमांड आ रही है कुछ पॉलिटिकल फ्रंट से और कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रंट से वो ये है कि सभी वीवीपैट मशीन के ऊपर कैलकुलेशन होनी चाहिए यानी मैचिंग होनी चाहिए ईवीएम और वीवीपैट वी की अब इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहेगा तो सबसे पहला सबसे पहला आपको यह याद रखना है कि जब वी वीपै मशीन को कैलकुलेट यानी आप यह कह सकते हैं कि मैच किया जाएगा ईवीएम के साथ तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट में काफी डिले हो सकता है पहली चीज उसके लिए आपको मैन पावर भी चाहिएगी दूसरी चीज तो ये दो चैलेंजेस के कारण यहां पर एक बात कही जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी सी तो नहीं लगी बट हाँ इन्होंने ये बात कही है ये कहते हैं कि भी देखो राइट टू वोट सबके पास है बट यहां पर अपने वोट का रिकॉर्ड चेक करना है इस चीज का अधिकार किसी के पास नहीं है तो यहां पर इस चीज के ऊपर ये कहा जाता है कि भई देखो हम अभी तक के लिए तो इस चीज को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो यहां पर ये यह पूरा मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पूरी लाइक पूरी प्रक्रिया के ऊपर क्या लेती है? इसके बारे में देखना होगा। अगले हफ्ते से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट रहती है? प्री और मेन्स में इसका रेलिवेंस बहुत ज्यादा है अगर मेंस की बात करें तो जीएस पेपर वन में आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर इस आर्टिकल में इतना ही था आइए अब बात करते हैं आर्टिकल की देखिए अगर आज की डेट की बात करें तो इंडिया की टू थर्ड एनर्जी आ रही है कहां से फॉसिल फॉसिल फ्यूल फ्यूल से फ्यूल से अब ये जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पहली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा पोल्यूशन होता है इनसे जैसे मान लीजिए आप कोल को यूज कर रहे हैं तो कोल को यूज करने की वजह से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है एग्जाम्पल के तौर पर आप एरोसोल पार्टिकल जैसे ब्लैक कार्बन को देखते हैं उसके अलावा यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का जो मतलब इंडिया के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कई सिटीज बहुत पुअर परफॉर्म करती हैं अब एनर्जी नीड तो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने ही वाली है ऐसा क्यों क्योंकि देखिए इसके पीछे दो रीजन है पहला पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी कंजम्पशन और ज्यादा इंक्रीज होगा एनर्जी की डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होगी और दूसरा जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ चलती है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी और बहुत सारा लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेंगी तो उससे भी एनर्जी नीड आपकी और ज्यादा इंक्रीज ही होगी तो यहां पर कहा जाता है कि देखो आप करंटली अगर बात करें इंडिया की एनर्जी नीड में या एनर्जी बास्केट में जो शेयर है आपके न्यूक्लियर एनर्जी का दैट इज समेयर अराउंड वन पॉइंट परसेंट के आसपास एनर्जी आती है आपकी न्यूक्लियर सेक्टर से न्यूक सेक्टर से अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम क्यों न्यूक्लियर सेक्टर को और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं देखो सबसे पहली प्रॉब्लम रॉ मटेरियल की

साइन किए हैं कुछ जैसे यूएसए के साथ कनाडा के साथ और इवन ऑस्ट्रेलिया uh, के साथ बट स्टिल अभी बहुत एक लंबा सफर हमें तय करने की जरूरत है तो यहां पर एक एक आ जाता है है कि सबसे सबसे लाइक uh, like, आर्टिकल में तो नहीं वैसे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की तो रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं होता तो इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फिर दूसरी प्रॉब्लम जो है टेक्नोलॉजी की है देखिए वैसे तो हमने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में काफी हद तक कुछ बहुत कुछ अच्छा किया है बट द थिंग इज कितनी सेफ और सिक्योर है ये टेक्नोलॉजी अभी एक डिबेटेबल बात है कई बार आपको देखने को मिलता है वाइड स्केल प्रोटेस्ट होते हैं इनके अगेंस्ट जैसे कुडुकुलम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और रीजन बीइंग क्योंकि सेफ्टी एक कंसर्न है अगर इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में से किसी भी तरह से रेडिएशन निकलती है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर एरिया में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है तो इससे एक लार्ज स्केल पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है जैसे भोपाल गैस के टाइम पे भी बहुत से लोगों को लाइक तो इससे तो एक वा, वाइड स्केल इंपैक्ट पड़ सकता है तो टेक्नोलॉजी एक हमारे पास है बिकॉज अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं और बाकी हम इसके लिए बहुत सी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे फ्रांस रशिया और यूएसए के ऊपर तो टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा है और उसके साथ साथ है एक safety. तो सेफ्टी और टेक्नोलॉजी अगर बात की जाए इंडिया में अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जहां पर हम ये चाहते हैं कि हमारी एनर्जी बास्केट में 30 से 50 परसेंट के बीच में शेयर हो रिन्यूएबल एनर्जी का तो हमें एटलीस्ट 150 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस सेगमेंट में तो ये इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हमारे लिए थोड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज है बट वट आर दॉजिटिव टू फोकस अपॉन न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है रॉ मटीरियल नहीं है इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और इवन टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी इतना कुछ हमारे पास नहीं है तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात आती है वो ये है कि देखिए अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर या विंड एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं तो लैंड अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है उसके साथ उसके साथ साथ इसमें अगर हम बात करें अगेन इसमें भी टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से एक प्रॉब्लम यह आती है कि हम चाइना जैसी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंडिया में हमने कुछ मेजर्स लिए हैं जिससे हम इंडिजिनस प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके बट स्टिल टेक्नोलॉजी और लैंड अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसके साथ प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की यहां पर भी आती है है तो मतलब इतना पैसा नहीं है जितने एनर्जी के जो सेक्टर में हमारे को इन्वेस्ट करके जो बूस्ट चाहिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा नहीं है हमारे पास तो कहा जाता है कि देखो अब इसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम अभी से फोकस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में न्यूक्लियर सेक्टर के ऊपर तो एक बात कही जाती है कि भाई देखो अगर हम बाय 2030 इस चीज के ऊपर फोकस करें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के जो शेयर है जिसमें फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं उसको फोर परसेंट तक ले आए काफी लॉजिकल टारगेट है अगर फोर परसेंट तक ले आए और बाय 2050 हम इस टारगेट को और ज्यादा एनहांस करके थर्टी तक ले आए तो इससे ओवरऑल जो हमारे दोनों टारगेट्स हैं कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना और कार्बन को कम करना 2070 तक इन दोनों को हम अचीव कर पाएंगे बिकॉज अगर बात की जाए हम फॉसिल फ्यूल को बर्न नहीं करेंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा ना ही ग्रीन हाउस गैस का अमीशन होगा जिससे ना केवल पोल्यूशन लेवल इंडिया में कम होगा हेल्थ कंसर्न्स और कंस्ट्रेन कम होंगे उसके साथ साथ अगर आप यहां पे देखेंगे तो इससे

कि वहां पर आपको जैसे क्योंकि लैंड अपने आप में एक लाइक ऐसा रिसोर्स है कि जो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया के पास अगर बात करें तो वर्ल्ड का टू पॉइंट फोर परसेंट लैंड ही है लैंड अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है तो इस वजह से और पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की सत्रह परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में है तो हमें यह इस चीज को इंश्योर करना होगा कि हम लैंड और एनर्जी यूनिट के बीच में रेशो को पैरिटी को मेंटेन कर सके तो दैट वी हैव टू फोकस अ पॉल

कोई भी काम करवा सकते हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी पर्सन के पास बंदूक है और आप आपके सामने वो चल के आ रहा है सामने से चल के आ रहा है अब वो अगर आपको कहे कि आप अपने वॉलेट चेन वगैरह उसे निकाल के दे दो तो आप तुरंत दे दोगे अपनी जान सबको प्यारी होती है तो सेम चीज यहां पर कही जाती है कि भाई देखो एन जो नॉन प्रोफन ट्रीटी है उसमें पांच देशों को आपने क्यों ज्यादा तवज्जो दी है को बाकी कंट्रीज का भी या तो राइट है नहीं तो आप इनको भी अधिकार ना दो चलिए और कोई डाउट गवर्नमेंट अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है मेरे को तो मतलब न्यूक्लियर फ्रंट पे तो आई एम अमेज हमने यूएसए uh, के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन किया था आई गेस वे इन 2011-12 के आसपास तो उसके बाद से गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ अनाउंस किए गए थे बट स्टिल वो ठंडे बस्ते में पड़े हैं लेट्स सी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हुआ है ना रोडवेज जैसे जिस तरह से बिल्ट हुए हैं उस तरह से बाकी सेगमेंट्स में काम होता हुआ नहीं दिख रहा ना तो रेलवे इतनी ज्यादा कोई डेवलपमेंट आई है और ना ही अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एनर्जी सेक्टर में भी इतनी कोई खास डेवलपमेंट नहीं आई है तो ये टोटल आपका आर्टिकल है कोई और डाउट हो तो बताइए अब बात करते हैं केरला के फिजिकल इशू की देखो प्रॉब्लम ये हुई कि जो केरला की के फिजिकल पॉलिसी थी उसमें इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को काफी बढ़ा रखा था अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसको आप समझिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आप में से किसी का नाम लेते हैं शालिनी शालिनी है अब ये जो शालिनी है शालिनी एक एक्स अमाउंट कमाती है मान लो पचास हजार रुपए एक महीने के कमाती है अब इसमें से कुछ पैसे जैसे मान लीजिए ये ईएमआई का देती है अपने हाउस लोन का कुछ पैसे मान लीजिए शालिनी के भाई बहन ये पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का यानी उनकी स्टडी के कॉस्ट उठाती हैं और कुछ पैसे जैसे घर का जैसे ग्रोसरी हो गया राशन हो गया तो राशन वगैरह के खर्चे में लगा देती है कुछ पैसा जैसे ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रैवल कर रही हैं तो वहां पर जैसे जो खर्चा होता है जैसे पेट्रोल या डीजल का कुछ पैसा उसमें लगा दिया तो यहां पर ये जो राशन और ये जो पेट्रोल पे या रोजमर्रा के खर्चों पे दूध दही वगैरह पे लगाया गया है इसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो जैसे सैलरी की फॉर्म में गवर्नमेंट करती हो या गवर्नमेंट पीडीएस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए या और कोई स्कीम जो है आपकी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा लगाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है अब मान लो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है तो केरला में ये देखने को मिला था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हुआ जिसकी वजह से केरला के अंदर एक ऐसी फिजिकल सिचुएशन आ गई जहां पर अब वो अपने खुद के एम्प्लॉय की सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने सेंटर से मदद मांगी सेंटर कहता है कि भाई तुम्हारी फिजिकल पॉलिसी अच्छी नहीं है हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकते अब इन्होंने मुद्दा उठाया और ले गए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंट्रीम रिलीफ के तहत यहां पर सेंटर को हिदायत दी कि यू शुड पे सम सर्टेन अमाउंट और उसके बाद इनके ऊपर आप फिजिकल लाइक डिसिप्लिन के लिए कुछ नकेल कस लेना कुछ और एक्शंस एक्शन ले लेना बट फिलहाल के लिए इनकी मदद कर सुप्रीम कोर्ट आप इस चीज को थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखिए जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फेडरलिज्म में तो आपके सेंटर और स्टेट वो को और उनको आपस में कॉपरेट करना चाहिए और जो आर्टिकल 293 है ये क्लियर वायलेशन है फेडरल प्रिंसिपल्स का इन द फिस्कल स्फीयर अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है देखो अगर आर्टिकल 293 की बात करें तो केरला ये कहता है कि सबसे पहली बात इसमें लिखी गई है कि स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिसाइड करेगी कि कितनी बॉरोइंग आपकी स्टेट को करनी है बट उसके साथ एक एडिशनल कंडीशन लगा दी यहां पे कि भाई यहां पर आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने पहले से कुछ सेंटर से कर रखी है कि आप फर्दर कर सकते हैं कि नहीं तो केरला कहता है कि इसको गलत इंटरप्रेट किया गया है है एक्चुअल में ये कंडीशन तभी वैलिड अगर आप सेंटर से पैसा ले रहे हो अगर आप कहीं बाहर से पैसा लेते हो मान लीजिए कहीं प्राइवेट सेक्टर से या कहीं और से बैंक से या कुछ भी करके आप पैसा जुटा रहे कोई बॉन्ड इशू करके तो उस केस में सेंटर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है तो यहां पर अगर बात की जाए तो इस बात पे अड़ा हुआ केरला कि भाई ये फिजिकल प्रिंसिपल का क्लियर वायलेशन है कि क्यों सेंटर इंटरफेयर करेगी क्यों सेंटर जो फिजिकल फेयर है आपके लाइक स्टेट का उसके अंदर क्यों इंक्लूड करती है अब इस पे स्टेट का क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई एक इफेक्ट होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक बैंक है मैंने आपको पहले भी शायद इसका दिया था यहां पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है कि भाई मुझे हजार करोड़ का लोन चाहिए अब आपको क्या लगता है ये जो एस बी है एस बी आई ये किसको लोन देना प्रेफर करेगा एक ऐसा पर्सन जो प्राइवेट है हो सकता है कल को लोन डिफॉल्ट कर जाए क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जो अंबानी है मुकेश अंबानी इसका जो ब्रदर था वो भी तो अनिल अंबानी भी तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करा ही था पेमेंट्स को तो हो सकता है कल को मुकेश अंबानी के भी दिन फिर जाए और वो भी ऐसे ही लॉस मेकिंग में चला जाए तो यहाँ पर एक आ जाता है कि देखो अगर आप देखेंगे कि स्टेट की जो फंडिंग होती है यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इशू होती हैं वो एक गिल्ट सिक्योरिटी है जिसका मतलब ये है कि स्टेट अपनी जो पेमेंट्स है उनको डिफॉल्ट नहीं करेगा अब यहां पर अगर सौ ये जो हजार करोड़ रुपए हैं ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए फंडिंग और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी बिकॉज उन्हें लोन मिलेंगे नहीं और लोन इजिली मिलेंगे नहीं तो इसकी वजह से इंपैक्ट ये होगा कि आप महंगे लोन लोगे महंगे दरों पे लोन लोगे और इससे जो ग्रोथ है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है प्राइवेट सेक्टर्स की या आपकी इंडस्ट्रीज की वो हैम्पर होती है तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट को रोकने के लिए बेसिकली यहां पर आपने आ, कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की बॉर्विंग के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी तो इसमें फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट जो आपका आया था इसमें कहा जाता है कि भाई जो भी आपकी स्टेट की जीडीपी है उसके तीन तक आप बॉर्विंग कर सकते हो अब केरला कहता है कि भाई देखो यहां पर सेंटर क्यों बता रहा है कि जो स्टेट है वो कितना कर तो यहां पर इस वजह से ये पूरा अभी मैटर पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आने वाले समय में इसमें क्या रहता है वो देखने वाली बात है बिकॉज इससे जो आप सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं और उसमें फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसका पूरे कोर कॉन्सेप्ट ही आपका चेंज हो जाएगा सर व्हाट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट डू इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स हिम एंड द केरला गवर्नमेंट डज डज नॉट द सेम अंकिता किसको हेल्प करने की बात हो रही है हिम कौन है यहां केरला सेल्फ डिपेंडेंट होने देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं केरला के साथ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना एक चीज़ देखिए तमिलनाडु की अगर बात करें तमिलनाडु में भी आपको कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलते हैं जैसे आप चेन्नई की बात कर लो पोर्ट सिटीज की बात कर लो देर आर वेरियस एरियाज वेर यू फाइंड इंडस्ट्रीज बिंग सेटअप आप अगर जैसे और कहीं किसी एरिया में जाते हैं जैसे मान लीजिए हैदराबाद एक पॉइंट हो गया बेंगलुरु कर्नाटका के लिए हो गया मुंबई महाराष्ट्र के लिए हो गया गुजरात के लिए सूरत हो गया और बहुत सारे एरिया और भी हो सकते हैं जैसे हरियाणा के लिए गुड़गांव हो गया आप हर स्टेट में देखोगे एक ना एक ऐसा एरिया आपको इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलेगा जो उस पूरी स्टेट का ग्रोथ इंजन है बट वेन इट कम्स टू केरला टेल मी वन वहां पर स्टेट साबुन बनाने में भी लगी हुई है रिफाइंड बनाने में भी लगी हुई है वहां पर बेसिकली लेफ्ट गवर्नमेंट है लेफ्ट गवर्नमेंट मींस आपकी जो लेनिन वाली सोच है वो वहां पर ज्यादा हावी है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई स्टेट वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए जो लोगों के भले के लिए काम करे तो वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री लॉस मेकिंग भी है तो उसको आप यह कह सकते हो कि बंद नहीं किया जाता स्टेट उसके फाइनेंसिंग करती रहती है तो जिसकी वजह से आपकी जो केरला गवर्नमेंट है इस सिचुएशन में पहुंची है। देखो स्टेट का काम वेलफेयर स्टेट है बट देर इज अ प्रिंसिपल ऑफ लिस की लेट मार्केट डिसाइड वट हैपन डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली सब कुछ अपने आप मैनेज होने दीजिए स्टेट का इसमें इंटरफेयर करना गलत है तो केरला में यह चीज नहीं देखने को मिलती तो दैट्स केरला में प्रॉब्लम आई है बेंच uh, वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हैंडल करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है जिसमें एटलीस्ट फाइव जजेस होने चाहिए और उसके बियॉन्ड सात हो सकते हैं नौ हो सकते हैं ग्यारह तेरह हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना द प्रॉब्लम इज स्टेट इज इंटू टू मेनी बिजनेसिस And जहां पर एक बात यह कही जाती है कि भी अब स्टेट्स को बिजनेसेस के अंदर नहीं घुसना चाहिए जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस क्यों वेस्ट करे तो, तो बिगर प्रॉब्लम दिस चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताइए ये आपका आर्टिकल था जो आप जीएस पेपर टू पॉलिटी सेगमेंट फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जहां पर बात हो वहां पर इसे यूज कर सकते हैं आइए अब बात करते हैं साइंस सिस्टम साइंस फॉर बेटर फ्यूचर अब देखो इसमें जो ऑथर है ना वो कहता है कि भाई आज की डेट में अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो कुछ सर्वे कंडक्ट किया गया था एक आपका हो रिसर्च सेंटर है इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था अलग अलग कंट्रीज में और जो तो चाइना और रशिया में तो पहले अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है तो वहां पर ये कंडक्ट नहीं हुआ बट उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिया इंडोनेशिया अफ्रीका ब्राजील यूके यूनाइटेड स्टेट्स सब जगह ये सर्वे कंडक्ट किया गया और एक चीज ये देखने को मिली कि लोगों का सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से विश्वास उठ चुका है नहीं इट्स नॉट दैट द स्टेट इज डूइंग गुड फॉर द पीपल बट द थिंग इज अनिल अंबानी के खुद के खाने के वादे हैं अब कल को वो चैरिटी करने लग जाए तो लोग ये कहेंगे ना पहले तो बैंक का जाके तो पैसा दे दे तो मेरे को दे रहे यार तो वही बात हो रही है यहाँ पे चलो अनिल अंबानी और बाकी चीजों को छोड़ो यहाँ पर आप बात करते कि भाई देखो चाइना और रशिया में तो ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पर तो किसकी चलती नहीं है और कुछ हद हाँ तक इंडिया में भी ऐसा ही है बट हाँ एक बात यह कही जाती है कि इंडियन लोगों को इसमें मजा भी आ रहा है क्योंकि 85 एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने, ने यह कहा है इंडिया में कि दे वॉन्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंड रीजन क्या दिया है उसके लिए आप ये देखो कहते कि भाई हमें सरकारों की इकोनॉमिक पॉलिसीज में ट्रस्ट रहा ही नहीं अब ट्रस्ट ना रहने के पीछे कारण है

Companies को यहाँ पर बुलाना है तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना कम कर दिया गया तो यहां पर यह कहा जाता है कि भी देखो अगर ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली किया गरीब आदमी को बिकॉज जब जैसे तो जो, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा ज्यादा आएगा तो गवर्नमेंट चीजों को सब्सिडाइज करती थी और गरीबों के लिए कुछ स्कीम्स लेके आती थी तो वो कहा जाता कि वो चीजें खत्म हो चुकी है तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये तो एक पहली प्रॉब्लम है ही है दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भी देखो जो आपके बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस हैं दे वर्क फॉर द प्रॉफिट उनको फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है उनके एक्शंस का अब यहां पर क्या हो रहा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज देखिए जब से ये

ये बहुत ज्यादा एक लिमिट तक हमने पुश कर दी है और जहां से शायद वापस आप आना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा अब देखो यहां पर बात की जाती है कि भाई आज की डेट में हम स्टडीज की बात करते हैं ना तो आपको स्टडीज जो है वो फ्रेगमेंटेड देखने को मिलती है जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है यहां पर जैसे अगर आप देखें पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ये आपस आप में इंटर रिलेटेड इशू है ठीक है ना और ये आपके कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है बट क्योंकि आप चीजों को आइसोलेटेड पढ़ रहे हैं, मतलब देखो आप क्या कर रहे हैं आप भाग रहे हैं परफेक्शन के पीछे आप भाग रहे हैं परफेक्शन के पीछे बट एक्चुअल में यहां पर यह होना चाहिए था कि आप जब एक जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पर बहुत सारे एक नॉलेजेबल पर्सन को रख दो और वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हो तो आपस में जब वो बात करते हैं तो एक दूसरे की नॉलेज को वो बूस्ट करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि जैसे हम यहां पर बात करें कि इंडिया में नॉलेज का फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हर चीज़ की जो साइंस है उसे साइलॉस में रखा गया अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा गया है जिसकी वजह से जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक और नेचुरल सिस्टम आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते और एक कंक्रीट पॉलिसीज इसकी वजह से डेवलप नहीं हो पाती तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी तो कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक साइंस में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आई है कि लेजर फेयर के ऊपर हम फोकस करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि मार्केट के इंडिविजुअल हैंड इनविजिबल हैंड्स अपने आप से मार्केट को करेक्ट करते हैं पर कहते कि कहने की बात है एक्चुअल में तो ये कैपिटलिस्ट क्लास है वो डिटरमाइन करती है कि कहां पर क्या होगा अब एग्जांपल के तौर पे आपने एफआईआई के बारे में सुना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये आपकी हॉट मनी होती है किसी भी इकॉनमी में अच्छी अगर परफॉर्मेंस चल रही है तो वहां पर ये इन्वेस्ट की जाती है और जैसे ही इकोनॉमी की हालत खराब होने लगती है ये सबसे पहले एग्जिट करती है इसलिए इसे हॉट मनी कहा जाता है तो कहते कि भी देखो कैपिटलिस्ट क्लास को तो सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है और वो ऐसे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि, कि किस चीज की डिमांड होगी और किस चीज की सप्लाई होगी तो एक्चुअल में यहां कहा जाता है कि जो मार्केट के इंडिविजुअल हैंड्स के बारे में आप बात कर रहे हो वो कोई हैंड्स

जीडीपी में इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको काउंट नहीं किया जाता है जैसे जो केयर इकोनॉमी है बट ओवरऑल एक घर की वैल्यू को बनाने में जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा किस तरह से पढ़ता है बच्चे में क्या वैल्यूज है ये सभी चीजें एक माँ के ऊपर डिपेंड करते हैं बिकॉज अगर बात करें तो घर में जो लाइक एथिक्स में एक बात कही जाती है कि जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है डैट इज फैमिली

प्रॉफिट और प्रॉफिट जो जो जनरली आपके बिजनेस हाउसेस और कॉपरेट्स का फोकस होता है उसके ऊपर ना फोकस करते हुए जैसे एक फैमिली में क्या होता है जैसे फैमिली में आप ये देखते हो कि अगर मान लो आपको जनरेशनल गैप्स देखने को मिलते हैं आपको एज गैप्स देखने को मिलते हैं बट हर पर्सन अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर को बुरे समय में सपोर्ट करता है तो यहां पर ये यह कहा जाता है कि देखो सेक्स और जनरेशन एबिलिटीज में सब में फर्क हो सकता है बट येट वो आपस में कॉपरेट करते हैं और एक दूसरे की वेलबींग well को इंश्योर करते हैं तो सेम चीज हम भी यहां पर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जी कि भाई वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट सेक्स डिफरेंस हो सकता है कि मेल है कोई फीमेल है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हम निगलेक्ट करते हैं हमें ये फोकस करना होगा कैसे वुमेन्स को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके तो इसमें बहुत सारे लाइक like, uh, ऐसे वगैरह यूज किए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ बट यहाँ पर जैसे हेज हॉग और फॉक्स का एक एग्जाम्पल दे रखा है बट आई डोंट फील लाइक की रेलिवेंट है एग्जाम के लिए तो दैट्स वाई वो पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं बताया बट यस। ओवरऑल इसमें ये फोकस किया गया कि कैसे आप अभी के टाइम पे जो जैसे आइडियोलॉजी है जैसे इकोनॉमी को आइसोलेटेड फॉर्म में देखा जाता है पॉलिटी uh, को आइसोलेटेड फॉर्म में देखा जाता है और नेचर uh, को आइसोलेटेड फॉर्म में देखा जाता है कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक साथ देखेंगे तो इससे एक बेटर क्लैरिटी आ पाएगी आपके पास सर चाइना अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है फिर भी इतना डेवलप अरे अथॉरिटेरियन है तभी तो डेवलप कर रहा है अब मैं यहाँ पर मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैंने बुलेट ट्रेन बनानी थी है ना आपको पता होगा दो तो हजार चौदह पंद्रह के आसपास बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई थी जापान के साथ मिलकर हम कर रहे थे अब दस साल हो चुके हैं अभी तक तो लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाई उसकी और कॉस्ट एटलीस्ट फाइव टू फोर टाइम फोर टू फाइव टाइम इंक्रीज हो चुकी है जो हमने एक्चुअल में प्रोजेक्ट सोचा था अगर डिक्टेटरशिप होती मैं आज कहता भैया ये रोड खाली करो ये जगह खाली करो यहां पर से मेरे को बुलेट ट्रेन लेके जानी है तो वो चीज मिनटों मिनट हो जाती है मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता डिक्टेटरशिप में ये फायदा होता है हाँ कुछ लोगों के राइट और वो चीजें वायलेट होती आइट तो डू सपोर्ट मैं कहता हूं डिक्टेटरशिप आनी चाहिए वैसे इन इस देश के लोगों को चीजें समझ नहीं आती मैं बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं आप रोड पे ट्रैफिक की बात कर लो नॉर्मल ट्रैफिक आप देखेंगे लोग रॉन्ग साइड से भी एंट्री मार लेते हैं अब वहीं पर अगर पुलिस वाला खड़ा हो पता है कि भैया वो पुलिस वाला थप्पड़ भी मार देगा या चलान काट देगा डर जब डर है तो लोग कानून का पालन कर रहे हैं जैसे पुलिस वाला दिखता है हेलमेट पहन लेते हैं तो दैट इज वट इंडिया में लोग प्यार से चलने वाले नहीं है इंडिया में लोगों को चाहिए कि उनको कोई ना कोई डंडा करता रहे चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वेयर कमर्शियल इंटरेस्ट देखो आपको पतंजलि के बारे में तो पता ही होगा तो यहां पर इन्होंने एक दवाई के और इस दवाई को बनाने के बाद इन्होंने ये क्लेम किया कि भैया ये दवाई कोविड नाइनटीन को ठीक करती है बट अगर बात की जाए एक सप्लीमेंट्री दवाई थी ऐसा नहीं था कि वो कोविड को ठीक करती है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा जहां पर यहां पर पतांजली। पतांजली को ये कहा गया कि भाई आप आप इस तरह के मिसलीडिंग जो एड्स देते हैं उसको बंद करें। बट आपको पता है बाबा रामदेव बिंग बाबा रामदेव वो इस चीज को नहीं माने तो यहां पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इश्यू कर दिया गया फरवरी मंथ में बाबा रामदेव को और उनकी कंपनी को अब यहां पर दूसरी बात आते कि जो लाइक एक बात आती है कि गवर्नमेंट की लेक्सिटी मतलब जो गवर्नमेंट है उसने भी इनको सपोर्ट किया किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो भी चीज एक कंसर्न है जहां पर ये कहा जाता है कि भी देखो कुछ मिनिस्टर्स ने भी कोविड के टाइम पे इस बात को रेटिफाई या क्लियर नहीं किया किया कि भाई एक्चुअल में कोरोनेल कोई इलाज नहीं है कोविड का तो वो चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट को परेशान करते कि भी देखो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने इस चीज को इंडोर्स किया इस चीज की भी होगी कि क्यों ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे वो गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिए उसके अलावा यहां पर यह कहा जाता है कि भाई कुछ टफर लाइक लीगल एक्शंस लिए जाएंगे क्योंकि पहले पतंजलि ने इस चीज के लिए एग्री किया था कि जो आपका एक्ट है इसके अंडर जो प्रोविजन है इसमें ये इंश्योर करेंगे वो कि इस तरह की जो बातें लिखी जाती है कि शॉर्ट शौर शॉर्ट इलाज कर देते किसी चीज का तो वो चीज वो चीज यहां पर ये यह बंद करेंगे तो यहां पर इनकी जो एग्रेसिव मार्केट कैंपेन्स वगैरह चल रहे हैं या गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी के ऊपर अगर बात करें गवर्नमेंट ने इवन अपने टाइम पर प्रमोट किया था कोरोनिल्स को तो उस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम एक्शन लेंगे जो भी इसके अंदर कल्पोरेट रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा दिलाएंगे बट यहां पर एक एथिकल कंसर्न आता है प्रॉफिट वर्सेस सेफ्टी अब आपको क्या लगता है क्या सही है क्या गलत अब देखो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए बट क्या लोगों को बेवकूफ बनाकर प्रॉफिट कमाना ठीक है अब मेरा आज का एक सवाल आपसे ये है आज आपने कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो खत्म होने के बाद कि अगर आप इस केस को हैंडल कर रहे होते नॉट इन द पावर ऑफ लाइक सुप्रीम कोर्ट जज बट आप यह मानके चलो आप ड्रग जो रेगुलेटिंग पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर तो आप क्या एक्शन लेते अब पर एक ये याद रखना। देखो, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट और इतना बड़ा आप यह कह सकते फंडा नहीं चल सकता

तो यहां पर जॉब फॉर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया की हालत खराब है।, क्यों है? है अब इसके पीछे रीजन भी है कहते दो हजार से लेके 2022 तक भारत के अंदर उतनी नौकरिया बनी नहीं जितने एक्चुअल में इंडिया में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिले कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली या ले, इंडिया में 2020 से लेकर 2022 तक उतनी जॉब क्रिएट नहीं हुई जितने आपकी जो पॉपुलेशन है वो मिचार होकर वर्किंग एज ग्रुप में आई तो जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो गया जॉब जनरेटेड के बीच में और आपकी ग्रोथ ऑफ वर्क एज पॉपुलेशन के बीच में जिसकी वजह से आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर एक मेजर कंसर्न है तो यहां पर यह कहा जाता है कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब क्रिएशन आप की आपको लाइक जो आप, आपका पेस है आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अब दूसरी चीज यहां पर यह आती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कहते कि देखो ऑल दो इंडिया की जो इकोनॉमिक uh, और ओवरऑल अगर बात करें, तो इस पूरे के अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो श्रीलंका पाकिस्तान काफी अच्छा रिकवर कर रहे हैं एंड एशिया uh, की जो ग्रोथ रेट है वो सिक्स से सिक्स के बीच में रही है बट यहाँ पर एक यह आ जाता है कि देखो अभी जो हमारा पोटेंशियल है वो इससे 15 टू 16 परसेंट और एडिशनल हो सकता है अगर टाइमली हम अच्छी जॉब्स को जनरेट जरे, कर सके अब यहाँ पर एक यह आ जाता है कि भाई अगर आप इस तरह की जॉब जनरेशंस नहीं कर पाए तो डेफिनेटली ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी साउथ साउथ एशिया के लिए

आप करना चाहते हैं क्योंकि जब इंटरप्रिन आएंगे उनके स्टार्टअप अच्छा चलेंगे तभी तो जॉब जनरेट होगी तो उसके लिए फाइनेंशियल एक्सेस तो को आपको और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप्स वगैरह या इंटरप्रीनोरशिप की तरफ जाए उसके अलावा ट्रेड में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस लेके आएंगे तो ट्रेडिंग आपकी लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडस्ट्री सेटअप कर रही है अब आज की डेट में रूल एंड रेगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो लोग इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले दो बारे सोचेंगे तो यहाँ पर हमें उन रूल एंड रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी भी लानी चाहिए और ओपननेस भी लानी चाहिए ताकि कोई भी इंसान अगर लाइक like, लाइक like, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होंगे तो इंडस्ट्री स्टार्ट करने से कतराएगा तो हमें उस चीज़ को रोकना होगा यहाँ पे साथ के साथ आपको फोकस करना होगा एजुकेशन और स्किल्स की इंप्रूवमेंट के ऊपर विदाउट विच यू कैन नॉट गो इन जिससे आप बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाओगे या जनरेट कर पाओगे तो वो उस चीज को आपको uh, समझना होगा अब देखो कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंट बनता कैसे कहते जब आपके मोर्टेलिटी रेट जो होता है चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट वो कम होता है और आपकी लाइक like, uh, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है लाइक like, यहां पर कहा जाता है कि भाई आपके इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कम हो गया और फर्टिलिटी रेट आपका कम हो गया बट आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन एकदम से बढ़ती है इस चीज़ को कहा जाता है फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज में जब ये एंटर करते हैं तो लो फर्टिलिटी रेट और लो मोटेलिटी रेट तो बना रहता है बट वर्किंग एज पॉपुलेशन आपकी यूथ uh, डिपेंडेंट uh, मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि इस सेगमेंट में आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंट है डेमोग्राफिक डिविडेंट अक्सर 20 से 30 साल रहता है किसी भी इकोनॉमी के पास और इसमें आपके पास फिफ्टीन से लेके फिफ्टी नाइन एज ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन के अंदर जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने के चांसेस रहते हैं और जो कंट्री है उसकी जीडीपी की ग्रोथ के भी चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि फाइनल फेज जो है इसमें आपकी एल्डरलीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है जिससे डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो यहाँ पर इस फेज में अगेन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से आपको एक्सपेंसिस ज्यादा करने पड़ेंगे तो अगर इस फेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो अल्टीमेटली इस फेज में आपको बहुत परेशानी आएगी जहां पर आपको गवर्नमेंट को बहुत सी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से जाता है कि टाइगर का आप दशक में सिंगापुर ताइवान हांगकॉग साउथ कोरिया इनके पास भी डेमोग्राफिक डिविडेंड था इन्होंने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो आज की डेट में प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है गई

तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी इकोनॉमिक तो या आप यह कह सकते हो तो कि गवर्नेंस और के भी फोकस, करना जिससे आप में इस के फोकस करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे आप प्रमोट करें मेहमान लाइक टाइगर इकोनॉमी मीन साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज के मैंने नाम लिए थे इन्हीं इकोनॉमीज को कहा जाता है आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंट के बारे में फेलिंग बर्थ रेट एंड चेंज इन फॉलिंग बर्थ रेट एंड चेंज इन एज स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द अडल्ट वर्किंग एज फॉलिंग बर्थ रेट एंड कॉन्सिक्वेंट शिफ्ट इन एज स्ट्रक्चर फॉलिंग डेथ रेट ऑल ऑफ द अबव डेमोग्राफिक डिविडेंड में इसमें से क्या चीज आपको देखने को मिलती है इंडिया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में सेकंड फेज में बट द थिंग इज अपने पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन क्योंकि बर्थ रेट आपका कम होगा यानी फर्टिलिटी uh, रेट कम होगा और ए स्ट्रक्चर में आपके अडल्ट पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी आपको डेमोग्राफिक डिविडेंट देखने को मिलता है तो आंसर ए ऑप्शन आइए भारत की अब नई ईवी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं जहां पर पर अब अब चाइना से भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं ई व्हीकल्स यहां खत्म कर दी गई क्यों खत्म किए गवर्नमेंट कहती है कि देखो अगर आप तीन साल के अंदर हमारे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट का तो उस बेसिस पे आप कुछ चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आठ सौ मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया के तीन साल के तो पर ये है, कहा जाता है पांच साल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो साथ के साथ आपको इंडियन डोमेस्टिक को भी इनहस करना होगा मतलब ऐसा है कि आप एनुअल इंपोर्ट ई व्हीकल्स का 8000 तक मैक्सिमम कर सकते हो बस शर्त यह है कि मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी है वो इसका 50 लगाना आठ सौ मिलियन डॉलर का जो कस्टम ड्यूटी लगा करती थी अब गवर्नमेंट कह रही हम उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे बट बात यह है कि इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी व्हीकल्स की या वैल्यूडिशन करनी पड़ेगी मतलब आप अपने ऑपरेशंस तीन साल के अंदर भारत के अंदर स्टार्ट कीजिए जिसमें 25% आप जो ये वैल्यू है इसको इन्वेस्ट करेंगे और 50% तक आप पांच साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको ये कंसेशन मिलेंगे अदरवाइज नहीं तो ओवरऑल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है अब यहां पर ये कहा जाता है कि भई इससे होगा क्या इससे इंडिया के अंदर जैसे टेस्ला एक कंपनी है आपको पता होगा अब टेस्ला जैसी कंपनीज जो है वो इंडिया में आके निवेश करेंगी तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर इनोवेशन और प्रोग्रेस को आप स्टिमुलेट कर पाओगे जिससे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को आने वाले समय में हम प्रमोट कर पाएंगे अब देखो इंडिया ई व्हीकल्स के सेगमेंट में एक लीडिंग प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो उसके लिए हमारे को फोकस अभी से करना पड़ेगा अब इससे तीन फायदे होंगे अब ई व्हीकल अगर इंडिया में आ गए तो हम 85 परसेंट क्रूड ऑयल अभी भी इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इंडिया में मेजोरिटी जो सिटीज है उसमें ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आपको एयर पोल्यूशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो एयर पोल्यूशन की समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी उसके अलावा कार्बन अमीशन की इंटेंसिटी को को 45 से कम करना हमें 2030 तक उस टारगेट भी अचीव करने के लिए यह आपकी हेल्प करेगी बिकॉज फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे तो कार्बन अमीशन नहीं होगा और कार्बन अमीशन नहीं होगा तो इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग को भी हम रोक पाएंगे तो इससे इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर दोनों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो जिस वजह से गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है अब इस टेस्ला आए इंडिया में अपना product, करें और इंडिया से विदेशों में अपनी गाड़ियों को बेचे तो दैट इज वट वी वॉन्ट तो यहां पर ऐसी कंपनीज को हम इंसेंटिव देंगे ताकि इंडिया में आके आप अपने अपने प्लांट्स को स्टैब्लिश करो फिर यहाँ पर एक हमारी इच्छा है कि हम आने वाले समय में ना कि लाइक कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ई व्हीकल सेगमेंट्स में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर बन सके तो उसको अचीव करने में हमारे को यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी और साथ के साथ यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ओवरऑल इस सेक्टर ऑटोमोटिव सेक्टर में एक होलिस्टिकली चेंज आ पाएगा जहां पर बड़ी टेक्नोलॉजी आप बाहर से अंदर इंडिया में इम्पोर्ट कर पाएंगे तो ये चीज आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है ग्रीन एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हाइब्रिड इज नॉट द दाइंड ऑफ सोल्यूशन दैट वी वॉन्ट हाइब्रिड में प्रॉब्लम ये कि फिर भी आप डिपेंडेंट तो हैं क्रूड ऑयल के ऊपर चाहे बैकअप के लिए बट स्टिल हाइब्रिड इज नॉट द लाइक मेजर सोल्यूशन फॉर द दायर थिंग हा तभी कह रहे ना कि आप इंपोर्ट कर लो पांच साल तक के लिए चालीस हजार ई व्हीकल्स करो बट आप इंडिया में अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर लो आने वाला है मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दो तीन सालों में टेस्ला आ जाएगा इंडिया में रवांडा के बारे में बात करते हैं पहले रवांडा की एक स्टोरी सुनते 1994 की 1994 6 अप्रैल को एक असैसिनेशन होता है यहाँ पर दो मेजर कम्युनिटी आपको देखने को मिलते हैं हुतुस जो में, जो कि में मिनोरिटी में अब हुआ कि सेंट्रल अमेरिका अफ्रीका की इस कंट्री में 1994 6 अप्रैल को इनके प्रेसिडेंट को असेसिन कर दिया गया जो कि हुतु कम्युनिटी से बिलोंग करते थे अब उसके बाद लगभग एक मिलियन लोगों का नरसंहार कर दिया गया ऑलमोस्ट सौ दिन के अंदर ऑलमोस्ट सौ दिन में कितने दस लाख लोगों को मार दिया गया अब जिसके बाद यहां पर एक बात समझ में आती है कि इस चीज को एग्जीक्यूट किसने किया गवर्नमेंट के बैक टेररिस्ट ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने इवन मॉब्स ने अब यहां पर इसके लिए जैसे क्लब्स वगैरह या मीडिया का इस्तेमाल किया गया मैसेजेस को लाइक प्रोपैंडा को फैलाने के लिए और जिसके बाद से यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक मिशन भेजा यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन अभी तक ये सिचुएशन काफी आपकी कंट्रोल में इसके बाद होता क्या है की एक आपकी आर्मी है दैट इज रवांडा पेट्रियाटिक फ्रंट इन्होंने जेनोसाइड जी, को खत्म किया अब आज की डेट में करंट कंट्री में मिलियंस एंड मिलियंस लोग डिस्प्लेस्ड है रेफ्यूजी क्राइसिस है यहाँ पे उसके अलावा गाकाका कोर्ट है इनका एक लोकल लोकलाइज कोर्ट है जिसमें जिनोसाइट्स के जो भी दोषी है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं एंड इसके अलावा नेशनल यूनिटी एंड रिकनेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया ताकि इस एरिया में पीस को डेवलप किया जा सके अब बात यहां पर यह आती है कि आज की डेट में हम इसके बारे में बात क्यों करें तो कहते कि ह्यूमन राइट वॉच जो है ये कहते कि तीस साल हो चुके हैं है। और इसकी थर्टी एनिवर्सरी तक हम इसके सभी कल्प्रिट्स को सजा दिला सके इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए अब ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन क्या है 1978 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था सोवियत के साथ तो सोवियत की कंप्लायंस को हेल्थ अकॉर्ड accord के अकॉर्डिंग वो ठीक से फंक्शन करे इस चीज को इंस्टॉल करने के लिए ये बनाई गई थी ह्यूमन राइट वॉच ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 90 कंट्रीज के अंदर टाइम टू टाइम रिव्यू कंडक्ट करते हैं इंडिया में भी जैसे करते हैं कि कश्मीर में जैसे ह्यूमन राइट right का वायलेशन तो नहीं हो रहा तो इनका फोकस क्या रहता है कि जैसे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो गए या आर्म कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ में खासकर उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुमेन के राइट्स हो गए चाइल्ड के राइट्स हो गए एल कम्युनिटी के राइट हो गए इन सभी चीज़ों के ऊपर ये इन्वेस्टिगेट करती है वैसे तो ये किसी गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग नहीं लेती है डायरेक्ट फंडिंग ना लेने के पीछे आपका रीजन ये है कि अगर किसी भी कंट्री से अगर ये फंडिंग लेगी तो पार्शालिटी हो सकती है तो इम्पार्शल अपने बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए मेंटेन करने के लिए ये सिर्फ जैसे वगैरह होते हैं ना जैसे बिल गेट्स वगैरह या कोई तो उनसे फंडिंग लेते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ही था एक बार इस क्वेश्चन को देखिए हाँ जी जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए सर न्यू ई व्हीकल्स तो हम क्रिएट करेंगे देखो शिका धीरे धीरे करके ना गवर्नमेंट ने एक व्हीकल वे, वे, फिटनेस एज कर दी है आपको पता होगा गवर्नमेंट एक स्क्रैप पॉलिसी लेके आई थी जहां पर अगर आप अपने पुराने व्हीकल्स को लाइक देते हैं तो उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं आपको नए व्हीकल की परचेज में एंड इसको हम स्क्रैप पॉलिसी के थ्रू इलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश ये की जैसे व्हीकल की एज जो लिमिट होती है उसको डिक्रीज करके एक्चुअल में हम इस चीज को अचीव करेंगे तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है एंड आंसर बनेगा ना वन नॉट टू कलाकांडा के बारे में बात करते हैं कलाकांडा आपका एक कोस्टल कोस्टल एरिया में हुई प्रॉब्लम का नाम है अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है देखो अगर कलाकांडा की बात की जाए तो ये नॉर्मली आपको केरला के कोस्टलाइन एरिया में देखने को मिलता है अब केरला में ऐसा होता क्यों है

अब कहते हैं इसमें कोई लोकल विंड का हाथ नहीं होता एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कहीं दूर दराज एरिया में आपका एक लो प्रेशर डेवलप हुआ जिसमें साइक्लोन साइक्लोन बने अब की वजह से जैसे आपका पानी है ये बहुत बहुत तेजी तेजी से से बढ़ रहा अ, मतलब बहुत तेजी से फ्लो करता है अब एक्चुअल में ये जो डिप्रेशन है जो आपका ओशन के ऊपर फैल घूमता रहता है इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कोस्टल एरिया की तरफ जैसे फॉर एग्जांपल केरला की तरफ जब ये घूम जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो विंड है

फिरमिना आपको देखने को मिलता है तो कलाकांडा बेसिकली एक कोस्टल फ्लडिंग है जो आपको प्री मॉनसून सीजन में इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलता है स्पेशली इन एरिया ऑफ केरला तो मलयालम में इसका मतलब है कलान कलान एंड कांडल uh, का, uh, का, का, कांडल तो कलान का मतलब होता है थीफ और कांडल का मतलब होता है सी तो चोरी करने वाली समुद्र वैसे 2012 में इस टर्म को यूनेस्को ने भी पारित कर दिया था मान लिया था तो वैसे सुनामी जैसा दिखता है बट सुनामी है नहीं इसमें क्या होता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग कंडीशन प्रोड्यूस होती है आपके सदन पार्ट में इंडियन ओशन के नीचे की तरफ मेटागास्कर और बाकी एरिया में और यहां पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर आपकी हवा चल के मतलब काफ़ी ऊंची लहरें बना के ये पहुँचते इंडिया के कोस्ट के पास जिसकी वजह से यहां पर आपको इस एरिया में पानी का लाइक पानी का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो यहां पर बेसिकली इमेंस एनर्जी जो होती है एयर वो ट्रांसफर करती है आपकी सी को और सी जिससे बहुत हाई वेव्स को क्रिएट करती है और इसकी वजह से आपको कोस्टल एरिया में फ्लडिंग देखने को मिलती है इसमें लोकल विंड का कोई हाथ नहीं होता जनरली अगर बात की जाए दूर के दूर दराज के इलाके में जो भी आपका स्ट्रॉम लाइक कंडीशन जनरेट हुई है जहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं उसका असर यहां पर आपको देखने को मिलता है तो ये आपका पूरा वो है प्लीज इसको एक बारी लाइक देख लेना

तो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1899 में इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी 1899 में और इसका प्राइमरी फोकस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के अलावा सोलर फिनोमेना को देखने का भी है जैसे सनस्पॉट साइकिल या सोलर फ्लेयर्स या सोलर इक्लिप्स वगैरह तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि क्लियर स्काई रहती है और इजिली आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये सोलर टेलीस्कोप है और एटमोस्फेरिक स्टडी के लिए भी इसे यूज किया जाता है तो दैट वॉज द थिंक अब पारादीप पोर्ट के बारे में बात करते हैं इस बार सबसे ज्यादा आपके सामान के आने जाना यानी कि जो भी आपका फे, होते, कार्गो होता है वो सबसे ज्यादा आपको पारादीप पोर्ट से आता जाता दिखाई दिया है तो पहले कला कांडला जो आपका पोर्ट होता था ये highest कार्गो को शिपमेंट्स के लिए हैंडलिंग के लिए जाना जाता था बट इस साल ये आपके पारादीप पोर्ट को मिला है अवॉर्ड अब पारादीप पोर्ट कहां पे ये आपका उड़ीसा में पारादीप पोर्ट की लोकेशन तो आयरन और, के के तो और कोल के एक्सपोर्ट के लिए इस एरिया में इस पोर्ट को, को स्टैब्लिश किया गया था बट बाद में अगर आप देखें तो बाकी चीजों के जैसे मिनरल और रिसोर्सेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ऑयल कोल इनके लिए भी इसे यूज किया गया एंड बाकी चीजों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल देखते हैं तो आपको याद रखना है कि ये महानदी जहां पर आपके बेव बंगाल से जाके मिलती है उस एरिया में पारादीप पोर्ट बनता है एंड ये डीप वाटर पोर्ट है जहां पर बड़े बड़े मतलब हर एरिया में बड़े जहाज नहीं आ सकते बट पारादीप पोर्ट पे आ सकते हैं तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की लोकेशन यहाँ पर गिवन है आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं आइए एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं ट्रू फॉल्स को पहला Demographic dividend occur when a country working age population is larger than the non-working population, potentially leading to economic growth. Uh, uh, Kartik, much better, but still work is going on. Uh, if you are starting right now, uh, try to read the NCRTs, especially for the like geography part especially for the like uh, the understanding of the economic concept you can go with the macroeconomics of class 12th if you are not been able to comprehend that you can go with the 9th and 10th class economic ncrt from there you can start on you can go through the ncrt for history start with the NCRTs, then move to the next segment so yes the first statement is true electric vehicle produced no emission at the point of use किंग दम क्लीन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल गैसोलिन पावर्ड वहीकल हाँ जी इलेक्ट्रिक वहीकल्स किसी भी तरह का अमिशन uh, नहीं क्रिएट करते हैं यस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू ऐसे लिखा करो यार सेकेंड स्टेटमेंट मेरे को क्या पता पहले का लिख रहे हो कि दूसरे का जवाब लिख रहे हो नाव डिकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन चेन्नई इंडिया इसकी लोकेशन के बारे में हमने बात की थी मेरे ख्याल से मैंने बताना भूल गया शायद कोडिकनल तमिलनाडु में है कोडिकनल में नॉट चेन्नई तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज चेन्नई नहीं कोडिकनल में है ये आज पता नहीं एक ही स्टेटमेंट दो दो तीन तीन बारी इन्होंने रिपीट करी हुई है ओके okay. कला कांडल ऑल्सो रेफर टू द सी सर्च और किंग टाइड आर अ रेयर मरीन फिनोमेना इफेक्टेड द कोस्ट एरिया ऑफ लक्षद्वीप इन आयलैंड इन इंडिया नॉट लिंक्ड टू मॉनसून और सुनामी हाँ जी लक्षदीप इससे इंपैक्ट होता है प्री मॉनसून टाइम का है तो मॉनसून से इसका रिलेशन नहीं है सुनामी से भी नहीं है और कोस्टल एरिया को इंपैक्ट करता है लक्षद्वीप और केरला के तो दैट इज हाफ पार्शली द स्टेटमेंट इज ट्रू अब यहां पर यह आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज स्पेशली आपके लिए ये लेके आया हूं पीडीएफ को डाउनलोड करते हुए इसको देख लेना इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपने क्या करना है आपने आंसर लिखना है एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज अपना ना एक डिस्कशन ग्रुप है आपको पता ना अपना डिस्कशन ग्रुप है जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं एक डिस्कशन ग्रुप है हम पीयर ग्रुप असेसमेंट को इसमें यूज करेंगे आप एक दूसरे का आंसर चेक करके रेकमेंड कर सकते हो और बाद में मैं भी साथ में साथ आपकी इसमें मदद ये कर दूंगा कि हर एक पर्सन के आंसर को मैं एक बार रीड कर लूंगा नॉट श्योर sure, हर टाइम कर पाऊंगा बट यस डेफिनेटली पेयर ग्रुप लर्निंग से आपको यहां पर फायदा हो सकता है नोट्स बाय विवेक शर्मा ये एक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे आप यहां पर आंसर अपने सबमिट करना आपस में एक दूसरे के आंसर रीड करके सजेशन दे सकते हो आप सभी आंसर लिखें और यहां पर सबमिट टेलीग्राम ग्रुप शर्मा इस चैनल पे आ जाना और हेल्प कर सके आंसर राइटिंग में तो डेली बेसिस पे वी आर ट्राइंग बेसिस पे हम वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे जो आज के ही करंट कंटेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा जैसे हमने जो भी डिस्कस किया उसी के ऊपर बेस्ड होगा और आपको वहां पर आंसर लिखना है आ, ये अलग है नोट्स बाय विवेक शर्मा ये एक चैनल uh, नहीं है ग्रुप है ग्रुप में आप आपस में टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो सर इज इट स्टिल पॉसिबल टू अप्रोच फॉर टू थाउजेंड्रेड यस कीर्ति इट्स क्वाइट पॉसिबल बट यू हैव टू पुट अन एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू प्रोवाइड तो अगर आज के अच्छा लगा हो, तो आप अपने जो व्यू है जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आज जो पतंजलि से रिलेटेड केस है उसके बारे में मैंने कहा था कि एक एथिकल कंसर्न है इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने होती है उसका जवाब जो है मैं चाहता हूं इस वीडियो के एंड होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आपका खुलेगा कमेंट सेक्शन नॉट इन द लाइव सेक्शन इन लाइक कमेंट ब्लू तो उस सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी और कोशिश करना आंसर जरूर लिखना चलिए धन्यवाद आज के लिए इतना ही टेक केयर एवरी वन अ नाइस डे